सो गाइस वेलकम बैक टू कलाकार। आज मैं था टाटा नेक्सॉन ईवी में। तो आज हमारे पास नेक्सॉन ईवी आई थी, तो हमने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू करते हैं। भाई थोड़ा सा एसी का ब्लोर कम कर दोगे? बिल्कुल, बहुत साउंड आ रहा होगा। सो आज हम बात करेंगे भाई से। भाई हमारे टाटा की तरफ से आ रखे हैं, तो आपका नाम बता दो एक बार। गुलशन भरद्वाज। और भाई भी बैठे हैं भाई आपका नाम? जितेंद्र। सो गाइस अभी ये पहली बार मैं ईवी का शूट करने के लिए जा रहा हूँ, तो इतनी नॉलेज तो नहीं है कि ईवी में एग्जैक्टली क्या क्या होता है, क्या रेंज है, क्या मोटर है। तो ये सारी बात हम करते रहेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे आज कि टाटा नेक्सॉन ईवी का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो अगर आप ये खरीदने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको सब कुछ जो एक नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, इंसान के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी हम बात करेंगे आज की वीडियो में। सो एंड तक जरूर देखना, सारे डाउट्स भाई क्लियर करेगा हमारे। बिल्कुल फन व्लॉग होने वाला है, एक तरीके से फन वीडियो होगी। सो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग से। अभी भाई ड्राइव कर रहा है, कुछ देर के बाद मैं ड्राइव करूंगा तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। भाई आप गुलशन जी, बिल्कुल भाई बताओ टाटा नेक्सॉन ईवी का ये कौन सा वेरिएंट है? ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है नेक्सॉन ईवी का, एम्पावर्ड प्लस एलआर। एलआर, हाँ ठीक है। और इसका बताओ इसका एक्स शोरूम आपको 1929 का पड़ जाता है, 1929,000 एक्स शोरूम। हाँ जी एक्स शोरूम, ठीक है। ऑन रोड ये आपको विद गुड़गांव रजिस्ट्रेशन आती है 19,69,000। ऑन रोड प्राइस हमारा गुड़गांव का। दिल्ली का अलग होगा? दिल्ली का अलग है। दिल्ली में अभी आपके जो आरटीओ चार्जेस है वो कम है, कम हो रहा है, दिल्ली का आपको एडवांटेज मिल जाता है। सही बात है। बट यस, अभी मैं एक चीज बिल्कुल अपडेट करना चाहूंगा, अभी जो भी इसके आरटीओ चार्जेस हैं वो सिमिलर टू आपके पेट्रोल इंजन के बराबर हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि इसकी जो यूनिट सोल्ड होनी थी वो अबाउट टू सोल्ड है, तो अब उसका एडवांटेज आपको नहीं मिल पाएगा। आरटीओ के जो रिबेटेड प्राइस चल रहे हैं अभी, हाँ। वो बढ़ने वाले हैं, तो जो भी कस्टमर इसके लिए इंटरेस्टेड है ईवी में जाना चाहते हैं, हाँ। तो वो अपना दिस मंथ और माइट बी नेक्स्ट मंथ एंड तक प्लान कर ले। अच्छा, मीन्स की ये पेट्रोल वेरिएंट और ये दोनों प्राइस सेम होने वाले हैं आप कह रहे हो? प्राइस दोनों के सेम नहीं, रोड टैक्स जो है वो सेम होगा। आरटीओ से क्या होता है, रोड टैक्स जो पेट्रोल व्हीकल में ज्यादा लगता है, ईवी की गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी वगैरह थी, तो दैट्स व्हाई इसके रोड टैक्स में रिबेट था। ठीक है, हाँ, अब वो आपका सिमिलर हो जाएगा पेट्रोल इंजन के। तो ये एक प्लस पॉइंट है ईवी के लिए। गाइस गुड न्यूज फॉर ईवी ओनर्स, जो भी ईवी खरीदने के सोच रहे हैं तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, ठीक है। तो ये बात होगी। अब ये हमारा पड़ती है 20 लाख रुपए की, ठीक है। 20,69,000 सॉरी 70,000 रुपए का फर्क है भाई, कैसे भूल गया मैं। तो अब बताओ मुझे आप इसके बारे में कि इसकी रेंज कितनी होती है, पहली बात तो ये रेंज। इसमें बेसिकली हमारे पास दो वेरिएंट्स आते हैं, एक आते हैं आपका 30 किलोवाट्स बैटरी पैक, एक आता है 40 किलोवाट्स बैटरी पैक। ये कौन से बैटरी पैक पे? ये 40 किलोवाट्स बैटरी पैक है। अच्छा, हाँ, बेसिकली जो हमारे कस्टमर्स हैं जो सिटी ड्राइव के लिए लेना चाहते हैं या फिर जिनको प्राइमरी गाड़ी के तौर पे इसको प्रेफर करते हैं, तो उनको हम लॉन्ग रेंज प्रेफर करते हैं। लॉन्ग रेंज में इसकी रेंज मिलती है आपको 300 to 320 किलोमीटर प्रैक्टिकल, ये विद एसी रहेगा। ओके, यस, 300 से प्लस मतलब? हाँ, विद सिंगल चार्ज ना? हाँ यस, सिंगल चार्ज पे भाई 300 प्लस जा रही है भाई। मींस कि मैं यहाँ से ऋषिकेश पहुंच जाऊंगा एक बार में और ऋषिकेश से लौट के भी आ सकता हूँ थोड़ा बहुत। बहुत आराम से। विदेशी कह रहे हो आप ना? विदेशी, यस। क्या बात है भाई। तो एक बार यहाँ लगा लेते हैं, एक बार मैं चला लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको एक्सपीरियंस और बातें करते रहेंगे फिर साथ में। सो भाई साहब मेरी बारी है, अगर तुम यहाँ तक बने हुए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब शेयर करो। आजो सी, तो ये है आपका स्टीयरिंग, ठीक है, बहुत ही स्पोर्ट्स स्टीयरिंग, हाँ डिजिटल स्टीयरिंग कहते हैं इसे, बहुत ही स्पोर्टी लुक है। यहाँ से आपको ये देखो जो ये ग्रिप पकड़ने के लिए, मतलब कि अगर आप कोई बंदा स्पोर्ट्स करता है, गाड़ी चलाता है, तो उसको पता है इसकी फील कितनी अच्छी होती है। बाकी आपको यहाँ पे सारे के सारे स्टीयर मिल जाते हैं, मैं हर एक की बात नहीं करने वाला क्योंकि हम इतनी डीप बात नहीं करेंगे आज। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे मिल जाता है डिजिटल क्लस्टर इंस्ट्रूमेंट। कितने मोड है इसमें? इसमें तीन मोड आते हैं, हाँ, सिटी, इको, ड्राइव। तो अकॉर्डिंगली हम ड्रिवन मोड इसका सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर रूरल एरियाज में है जहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है तो वहाँ पे इको मोड हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। सिटी साइड में जहाँ पे आपकी रनिंग स्मूथ है वहाँ पे आप अपना सिटी मोड यूज कर सकते हैं, एंड हाईवेज पे हम स्पोर्ट्स मोड यूज करते हैं, राइट। अच्छा, सो गाइस ये हो गए हमारे तीन मोड जो आपको आपको यूज करने हैं जब भी आप अपने हिसाब से जहाँ भी यूज करोगे, ठीक है। बाकी और कुछ है इसमें बताने लायक अभी? बिल्कुल, ये हरमन की आपको इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन आती है, ठीक है। प्लस में फिकेटल पैनल आ जाता है गाड़ी में, जिसमें आपका हिल असिस्ट फीचर रहेगा। भाई ये देखो तुम, पैनल मिल जाता है इसमें आपको फिजिकल प्लस डिजिटल, ठीक है। तो इसमें आपको क्या रहेगा, ये आपका चार्जिंग चार्जिंग करने के लिए, फॉग लैंप्स के लिए, ये आपका हिल डिसेंट हो जाएगा, ठीक है।
ये आपका लॉक अनलॉक करने के लिए होता है, टेलगेट ओपन करने के लिए, ठीक है, लॉक अनलॉक करने के लिए 360 डिग्री कैमरा भी लग जाता है आपको, 360 डिग्री का व्यू बहुत ही इसमें आपको क्लियर आता है। ये देखो भाइयों के साथ आप देख सकते हैं, ये रहे हम, ये रहा बैक कैमरा, इसमें आपका 2D और 3D मोड्स हैं। आप 3D मोड में देख सकते हैं कि आपको पूरा क्लियर व्यू रहेगा कि गाड़ी के सराउंड में क्या चीज है, चीज गाड़ी को टच तो नहीं कर रही है, एंड वेरी सेफ, मजा आ गई। और इससे क्या होता है, अच्छा साइड मिरर आ गया, बिल्कुल सही है भाई। और इससे क्या हुआ, इससे दोनों साइड आ गए, पार्क ब्रेक इंगेज प्लीज रिलीज कर दिया भाई ले, और ये सेटिंग हो गई अपनी, चलो ठीक है। सो भाई मेरे को तो 3D से लग रहा है, ये देखो भाई ये मजा आ रहा है, बिल्कुल इसमें HD व्यू रहेगा, आपको पूरा पता रहेगा कि क्या चीज गाड़ी के पास है। ये देखो ये गाड़ी मेरे बगल में, देखो नाइस, क्या हो रहा है, ये इसके पार्किंग सेंसर्स हैं, जो जो पास से जाएगी, ठीक है भाई। गाइस अब तुम्हें कुछ समझ में आ गया होगा कि टाटा नेक्सॉन पंच क्यों निकल रहा है बार बार, टाटा नेक्सॉन ईवी में क्या क्या मिल जाता है आपको, इसमें वायरलेस चार्जर मिलता है, वायरलेस चार्जर, यस ये रहा वायरलेस चार्जर अवेलेबल रहेगा भाई। इसमें मिरर नहीं है, देखो ये देखो मिरर क्यों नहीं है इसमें गाइस, आप वाले में मिरर, मेरे वाले मिरर नहीं है, वो बात नहीं, सेफ्टी के लिए है कि आप चलाते, कितने एयरबैग है इसमें, इसमें 6 एयरबैग्स आएंगे, एनकैप 5 स्टार रेटेड है, IP67 पास है अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लाइमेटिक वेदर, okay. आप इसको बारिश में चलाए, डस्ट रेजिस्ट है, फायर रेजिस्ट है, तो टोटली सेफ है। इसकी जो बैटरीज है वो एसिडिक बैटरीज नहीं है, हम यूज करते हैं LFP बैटरीज, सिलिंड्रिकल सेल्स की बैटरी है, तो कभी भी इनकेस ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी की रेंज डेटोरिएशन पीरियड में आ जाती है, जैसे 60 से 70 किलोमीटर डाउन हो जाती है, हाँ. तो हम क्या करते हैं, इसके जो डैमेज सेल है बैटरीज के, उनको न्यू सेल से रिप्लेस कर देते हैं, सो यू विल बी गेटिंग योर सेम रेंज बैक, तो उसके बेटर ऑप्शन है। पैसे नहीं लगते 8 साल तक या 1,60,000 किलोमीटर, विच एवर इज अर्लियर, ये हमारी कंपनी की तरफ से आपको बैटरी की वारंटी रहती है, 8 साल के बाद या 1,60,000 किलोमीटर जो भी पहले हो जाए उसके बाद अगर आप कराते हैं, तो अंडर 50,000 के अराउंड आपका इसमें रहता है। वैसे बेसिकली इसके सेल्स का कोई प्राइस रिवील्ड नहीं है, राइट, तो ये थोड़ा सा एक वो कहते हैं पता नहीं रहता लोगों को, लेकिन जब बंदा लेगा तो ऑफ कोर्स वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर ही लेगा, जिस भी कस्टमर की रनिंग, जिस भी पर्सन की रनिंग मोर देन 60 किलोमीटर पर डे की है, हाँ। तो उसके लिए ईवी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, ये तो मैं भी मानता हूं। रनिंग कॉस्ट इस गाड़ी में आपकी 85 पैसा to 1 rupee पर किलोमीटर आती है, कंपेयर करें पेट्रोल से, तो पेट्रोल में आपको 8 rupees to 9 rupees पर किलोमीटर की ड्राइव आती है, ये बात तो बहुत हो जाएगी, मैथमेटिक्स पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगा आपके लिए, और सबसे ज्यादा मेन चीज है आपके पैसे सेव होंगे बहुत। अगर कभी भी आप जैसे गाड़ी खरीदते हैं तो आप 2 EMIs पे करते हैं, एक अपनी गाड़ी के लिए, एक अपनी रनिंग के लिए, जो हर महीने आपको मतलब अपनी जेब से पैसा देना होता है। वंस यू आर गोइंग विद द ईवी, तो उसके बाद आपको सिंगल EMI पे काम होगा, क्योंकि आपकी गाड़ी की EMI आप पे करेंगे, रनिंग कॉस्ट आप सेव कर लेंगे, तो ये आपका बेटर डिफरेंस आता है पेट्रोल व्हीकल और ईवी में, जो आपको बेस्ट फायदा है। और मैं सिंपल शब्द में समझाता हूँ, भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, सिंपल तरीका ये है, 1 rupee 1 kilometer, है ना भाई, बिल्कुल। जैसे कि आप डलवाते हो पेट्रोल, तो आपका 100 किलोमीटर चलती है 1000 के पेट्रोल में, 10 की एवरेज मान लो, ज्यादातर 10-12 की एवरेज निकलती है, ठीक है, तो आपको मतलब 3000 पे करने पड़ रहे हैं 300 किलोमीटर के, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 300 रुपए करने पड़ रहे हैं 300 किलोमीटर के, बिल्कुल। तो इसी से आप अंदाजा लगा लो कैलकुलेशन में कि कितने पैसे सेव करोगे आप इन फ्यूचर, ठीक है। चलो अब चलते हैं राइड पे, पकड़ना भाई, अब मैं थोड़ी सी राइड लेता हूँ, क्योंकि मुझे पेट्रोल गाड़ी का शौक है भगाने का और चलाने का, तो मैं फर्स्ट टाइम तो नहीं चला रहा, चला रखी पहले भी, लेकिन लेट्स सी, नेक्सॉन ईवी फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ भाई, मुझे क्या दिक्कत होगी, चलो इसमें ये डिजिटल शिफ्टर होता है, हाँ। जिसमें कि इसमें आपका पीछे एक बटन होगा, हाँ। बटन को प्रेस करना है, ब्रेक प्रेस करके, एंड यू हैव टू सिलेक्ट द मोड्स, जैसे ड्राइव मोड पे ये सेट हो गया है। अभी आप देख सकते हैं इसमें कि अभी आपको सिटी मोड के नीचे आपका इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक अलॉटेड दिखा रहा है, यस यस, तो इसमें आप क्या करेंगे, ब्रेक प्रेस करके आपको पार्किंग ब्रेक हटाना है, हटा देना है, नंबर पे ऑटो होल्ड लगाओ, ये कह रहे थे क्या, ऊपर करना था, प्रेस किया आपने, इसे ऊपर करना होता शायद, ऑटोमेटिकली ब्रेक प्रेस करिए, अब हट गया, यस ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा, हां ऑटोमेटिकली रिलीज भी होता है, चलो गाइस, यस, तो अब थोड़ा सा कैमरा यहाँ रख लो ना, पूरी फील दिखेगी ना ऐसे करके, चलो गाइस लेट्स सी कैसे चलती है अली गाड़ी, एक तो टाटा की गाड़ी है यार, तो मुझे यार कितना थोड़ा सा पीछे करो ना कैमरा, ऐसे करो ना ये, सो भाइयों देखो बिल्कुल भी साउंड नहीं है, ये तो कोई डाउट की बात नहीं है, बैटरी भी चल रही है गाड़ी, तो साउंड क्यों होगा, और बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लग्जरी फील भी आ रहा है, लग्जरी टच भी है गाड़ी में, नो डाउट, हॉर्न भी बढ़िया है भाई,
यू एक मिनट रुको, मैं थोड़ा रश पे फंसा पड़ा हूँ, थोड़ा सा खाली रोड पे आता हूँ, फिर तुम्हें दिखाता हूँ। इसमें आपको पीछे करो ना, गिर गया कैमरा, मतलब ऐसे। हाँ ये बताओ, बोलते रहो आप। इसमें आपको 224 Nm का टॉर्क मिलेगा, जिसमें कि आपको विद इन 8 टू 9 सेकंड्स आपकी गाड़ी 100 स्पीड को रीच करती है। तो ये एक बेस्ट टॉर्क है जो आपको इस गाड़ी में मिलेगा। एक पर्टिकुलर आरपीएम तक गाड़ी रीच करती है पेट्रोल या डीजल गाड़ी में, तो उसमें आपको तब वो फील आता है। इसमें आपको इंस्टेंट टॉर्क रहता है। भाई बात बताओ, आपने बताया मुझे कि 300 किलोमीटर की रेंज है। बिल्कुल, अभी मुझे 150 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है और 94% बैटरी दिखा रहा है। 150 किलोमीटर की रेंज इसलिए दिखा रहा है वो, क्योंकि अभी आपके जैसे जो मोड्स हैं वो आपने सिटी पे सिलेक्ट किया हुआ है, और इसमें रीजनरेशन मोड्स होते हैं। हाँ, वो चार ब्रेक मारो चार। यस, तो रीजनरेशन मोड अभी आपने लेवल 1 पे लगाया हुआ है। अच्छा। हाँ, रीजन, और ये आपके अभी जो है इसके सॉफ्टवेयर भी अपडेट होने, राइट। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद जो आपकी एक्चुअल रनिंग है, रनिंग आपको उतनी ही आएगी, 300 से 320 किलोमीटर। हाँ, इसमें जो आपके जितने भी मोड्स हैं आप उसको उसके अकॉर्डिंग ही इसकी रेंज वेरी करेगी। आप लेवल 3 अपना रीजनरेशन मोड एक्टिव करके चलाएंगे तो उससे आपकी रेंज और इंक्रीज होगी। स्पोर्ट्स मोड में कम होती है उसमें। यस, स्पीड कम होती है गाइस। और एक चीज मुझे बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, पेट्रोल में नेक्सॉन ईवी, पेट्रोल नेक्सॉन और ये ईवी नेक्सॉन में क्या फर्क है? दोनों में फर्क थोड़ा सा प्राइस का आएगा, और बाकी आपको पता है फीचर से फर्क है। फीचर सेम है, फीचर सेम है, फीचर सेम है। यस, ये सब कुछ सेम मिलेगा हमें अंदर से, इंटीरियर वगैरह। यस। सो गाइस, फिर क्या, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यार। अभी मैं तुम्हें बाहर गाड़ी दिखाऊंगा, बाहर से कैसी लगती है अगर तुमने देखी नहीं है। अब कुछ खाली रोड मिली है, एक बार देखता हूँ मैं कितनी खुल जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा रश तो दिख रहा है मुझे। चलो ठीक है गाइस, लेट्स सी। ये मैंने पंजाब देखा सिटी मोड में। कह सकते हैं भाई, ये 0 to 100 कितने में पहुंच जाती है? 0 to 100 ये जाएगी आपकी विद इन 8 to 9 सेकंड। उसके लिए आपको स्पोर्ट्स मोड एक्टिव करना पड़ेगा। एक बार लगा दे, लग जाएगा ऐसे। बिल्कुल, लगा देना। इकोनॉमी, ये हो गया आपका स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स भाई, स्पोर्ट्स मोड लग गया है, एक्टिवेटेड। ये देखो नाउ, ये आपको जेट की फील आएगी। ओ भाई, भाई गलती से भाई ने लॉक के बटन दबा दिया था भाई। ये देखो, आहा, क्या बात है, क्या सारे बोलो, क्या बात यार। ये जो फील होती है ना स्पोर्ट्स मोड पे भगाने वाली, ये हर किसी को पसंद है। अगर कोई बंदा यहीं से उठाना ना, शायद यहीं से उठाना। ये देखो भाई, एक हाथ से कट जाती है क्या। बहुत ही स्मूथ स्टीयरिंग के साथ हम चल रहे हैं गाइस अभी। सो हाँ, आप क्या पूछूं मैं आपसे, ये बातें हो गई हमारी, इसमें सनरूफ मिलता है हमें? बिल्कुल, वॉइस असिस्टेड है, लेट मी शो यू। बोलना। हे टाटा, ओपन सनरूफ। मल्टीपल लैंग्वेजेस इसमें आप यूज कर सकते हैं, विद 6 लैंग्वेजेस ये ऑपरेटेड रहेगी। हिंदी में आपको ट्राई कराता हूँ मैं। हे टाटा, वेट, आपने इसमें इंडिकेशन ऑन कर दिया, दैट्स व्हाई अभी ये कमांड एक्सेप्ट नहीं कर रही। अच्छा, ऐसा भी होता है। हाँ, एक मिनट हो जाओ, नॉर्मल ड्रिवन मोड पे रहेगा। बस हट गया, अब बोलो। हे टाटा, सनरूफ बंद कर दो। ऑलराइट, सनरूफ बंद कर रहे हैं। भाई भाई, हे टाटा, हे टाटा, वो क्या कर रही होगी? क्या बोलेगी, क्या वो क्या कर रही होगी? आप, ठीक है, ये कमेंट करना, बताना कि आपको इस गाड़ी में क्या पसंद है। अगर आप ये गाड़ी ओन करते हो तो आप में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है इसमें? चलो हाँ, तो भाई बताना कमेंट बॉक्स में। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था एक नेक्सॉन ईवी का, और भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से एलाबरेट किया, समझाया हमें हर चीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच भाई, और इतना से समझाने के लिए, इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि इतना प्रोफेशनल वे मेरे अंदर नहीं है समझाने का कि अंदर जाना भैया।
बाकी तो भाई मुझे तो गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, इसमें वो भी वेंटिलेटेड सीट भी है। वेंटिलेटेड सीट्स है, यस। ओके, आप दिखा सकते हैं, आपके सीट के पास ही इसका ऑप्शन रहेगा वेंटिलेशन का। ठीक है, सो भाई वेंटिलेटेड सीट भी है, अगर आपको पसीने पसीने आते भी हैं तो आप ऑन होगी भाई, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ तो गाइस थैंक यू सो मच देखने के लिए आज का व्लॉग, छोटा व्लॉग है लेकिन अच्छा व्लॉग बना आई थिंक सो। और 20 लाख रुपए की गाड़ी है तो यू शुड बाय 20 लाख 70 हजार यार, ये 70 हजार रुपए की भूल जाता हूँ मैं, लगता है फ्री में दिया किसी ने मुझे। सो और भाई तो कुछ मिस तो नहीं कर रहे हम? नहीं मिस तो नहीं कर रहे कुछ। इसमें स्पीकर्स क्या आपको मैंने बताया नहीं? हाँ। स्पीकर्स इसमें आपके JBL के आते हैं, 4 स्पीकर 4 ट्वीटर और एक सबवूफर रहेगा JBL का। ठीक है, बिल्कुल JBL मिल रहा है गाइस आपको। 350 लीटर का इसमें बूट स्पेस आएगा आपको। अच्छा तो गाइस मैं आपको ना यहीं पे एक बार बाहर ही हो गया हूं, बाहर से गाड़ी दिखाता हूं बाहर से कैसी है। ठीक है, ये देखो भाई इसकी कुछ लाइटें ऐसी आती हैं आपको आगे से मिलती हैं, बिल्कुल मर्ज लाइट है, टाटा कर्व जैसी लाइट मिलती है आपको इसमें। वेरी गुड कार भाई। कितने इंच के टायर मिलते हैं इसमें हमें? 16 इंच के टायर मिलते हैं। ये अलॉय व्हील है कि कैप है? अलॉय लगे हुए हैं। यस ओके। और यहाँ पे आपको ईवी की बैजिंग मिल जाती है गाइस, 360 डिग्री कैमरा आप दिखा सकते हैं। कहाँ है? हाँ ये रहा, ये देखो, ये जो हमें दिखता है ना साइड की स्क्रीनिंग, वो यहाँ से दिखती है हमें। ठीक है, और ये हो गया हमारा वही चार्ज करने के लिए, चार्जिंग के लिए आपका बूट स्पेस मैं आपको शो करता हूँ। ये देखो भाई कोई दिक्कत नहीं, कितने लीटर का है? 350 लीटर का बूट स्पेस है गाइस, देख चेक कर सकते हो, आपका अच्छे वाले लगे जा जाएंगे। तो कोई CNG की दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सीधा सामान आएगा। यस, प्योर इलेक्ट्रिक। ये हिडन वाइपर, और ये कहाँ पे ऊपर? ये देखो भाई हिडन वाइपर है भाई आगे, और ये है आर्या मोटर्स, यहाँ से आप गाड़ी परचेज कर सकते हो। चलो ठीक है, सो गाइज आई होप पसंद आएगी वीडियो आपको आज की। थैंक यू बोल दो भाई, थैंक यू सो मच गाइज, गुलशन भाई को थैंक यू, आपको भी थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना और बताना क्या अच्छा लगा आपको आज की वीडियो में, और जरूर आना आर्या मोटर्स, सेक्टर 47 सोना रोड गुड़गांव। ठीक है भाई, चलो बाय बाय।